तो मैं आज आपको बता दूं, आज तक्ष्मी का 6 month बर्थडे है। तो अमर महल हरिनिवास। वेलकम टू ब्लॉग दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं और प्राची और तक्ष भी निकल चुके हैं एक आउटिंग के लिए। बहुत स्पेशल दिन है हमारे लिए और तक्ष भी के लिए भी। तो मैं आज आपको बता दूं, आज तक्ष भी का 6 month बर्थडे है। तो आज हम थोड़ा एक आउटिंग के लिए निकले हैं। अभी ये डिसाइड नहीं है हमने कहाँ जाना है, बट घर से निकल चुके हैं। तो जो आज हम जा रहे हैं वो है हमारे यहाँ पे एक नया होटल खुला है, ओरियम ग्रैंड करके, 17 माइल्स के पास ही है। और ये ओरियम ग्रैंड है। आज हमने सोचा कि हम लोग पहले वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद शाम को हम लोग कहीं और जाएंगे, बट अभी हम लोग जा रहे हैं ओरियम ग्रैंड। तो अभी ओरियम ग्रैंड पहुँच के तक्ष्मी के साथ सेलिब्रेशन करेंगे थोड़ी सी, फिर पहुँचते हैं देखते हैं। आज मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ, और हमारे ओरियम ग्रैंड के पास ही जहाँ पे एक बहुत बड़ा राधा स्वामी का आश्रम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से बाबा जी आ रखे हैं। और यहाँ पे जो देखिए आपने कितनी बसेस और कितने लोगों का ये रहने का ठिकाना बना हुआ है। तो ये रहा हमारा ओरियम ग्रैंड की एंट्री, यहाँ से हम करेंगे एंटर। अभी शायद नया है तो पता नहीं यहाँ पे रेस्टोरेंट है कि नहीं है, अभी पता कुछ नहीं है। यहाँ पे रोड भी कच्चा ही है। अंदर जाके देखते हैं कि क्या है, इसमें रेस्टोरेंट है कि होटल में क्या है। आप देख सकते हैं तो काफी बहुत बड़ा है, रोड साइड से तो बहुत ही बड़ा है। तो सर हमें बताया गया है कि जो सिक्योरिटी वाले थे यहाँ पे भैया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी रेस्टोरेंट नहीं है। तो मैं क्या, चलो होटल ही घूम लेते हैं। तो कहते हैं सर अलाउड नहीं है। तो अभी बात करेंगे हम मैनेजर से, अगर हमको अलाउड करते हैं तो ये होटल हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है कैसा है। दोस्तों मैं बता दूं, मैं अभी ओरियम ग्रैंड में हम लोग आ गए थे, बट यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ पे बैंक्वेट और अभी होटल्स के थोड़े रूम जो यहाँ पे, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आश्रम राधा स्वामी का आश्रम जी में बाबा जी आ रखे हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पे रूम्स के लिए अप्लाई कर रहे थे और उनके लिए कुछ रूम्स इन्होंने खोले हुए हैं और बैंक्वेट यहाँ पे खोल रखा है जी। आप देख सकते हैं ये सारा बैंक्वेट है यहाँ पे, तक्ष्मी और प्राची वहाँ पे खड़े हैं। ये अभी बैंक्वेट है, पूरी तरह से तैयार है इनके। ऐसा ही सेम एक बैंक्वेट वहाँ पे भी है, सेम इस तरह से एक एंट्रेंस उस साइड से है जो आपको दिख रही है बाहर से, जो ये जो बाहर आई है ये एंट्रेंस है, और एक इस साइड से एंट्रेंस है। सेम टू सेम इनकी दो तरह की जो जिस तरह का इनका आर्किटेक्चर है, और बैंक्वेट्स की एंट्री भी सेम वहाँ से वैसी है, यहाँ से भी वैसी है। और ये हमारा यहाँ का लॉन है, ये लॉन एरिया के लिए निकलेगा यहाँ से रास्ता, और ये अंदर का बैंक्वेट आप देख सकते हैं, काफ़ी ही सुंदर, काफ़ी विशाल, काफ़ी ऊंचाई पे उनकी जो रूफ है वो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे कुछ खा लेंगे हल्का फुल्का, बट अभी यहाँ पे तक्ष्मी बस ऐसे ही हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और हम लोग अभी यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ खुला कुछ नहीं है अभी रेस्टोरेंट में। तो अभी अगले देखते हैं कहाँ जाना है, तो जम्मू की तरफ निकलते हैं, मिलते हैं फिर आगे। रिसेप्शन एरिया है, रिसेप्शन की यहाँ से इनकी एंट्रेंस है और यहाँ से इनका ये रिसेप्शन एरिया है। तो सेम ऐसा ही उनका वहाँ इस साइड से इनकी वो है अपना बैंक्वेट है, यहाँ से लिफ्ट है, ऊपर इनके रूम है, और यहाँ से पूरा ही आप देख सकते हैं काफ़ी बहुत ही बड़ा इन्होंने झूमर लगा रखा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है। और ये इनका रिसेप्शन एरिया, तो अभी पूरा मैं आपको पूरा बता नहीं सकता, ये इनका काफ़ी अच्छा मुझे इनका जो आर्किटेक्चर जो इन्होंने बना रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन सोफ़ाज़ के मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। स्पेशली मैं अगर आपको बता दूं जो मुझे एक अच्छा है, और ये जो कलर का कॉम्बिनेशन जो सोफ़ा का है ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा है, इनको अंदर डिज़ाइन करके जिस तरह से रखे हुए हैं और ये किस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा। और ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा, बाहर से इसका जो आउटलुक है, बाहर से जो उसकी जो मतलब इस जो होटल की आउटलुक है यार गजब है, मतलब आप इस तरह का होटल हमारे जम्मू में नहीं है,
जिस तरह का इसका आर्ट क्रिएचर बाहर से है, और मैं अंदर से आपको पूरा बताऊंगा फिर कभी आके। अभी ये फुल कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे इनके वॉशरूम्स आ गए हैं, तो आगे इनका जो मैंने आपको बताया आपको पहले जो बैंक्वेट है, देन अभी फिर कभी हम लोग आएंगे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट 1 अप्रैल से खुलेगा, तो उस टाइम पर हम आके आपको रेस्टोरेंट का बताएँगे। तो ये है हमारा ओरियम ग्रैंड, नाम से ही ग्रैंड है और देखने में भी ग्रैंड ही है। ये देख लो, ये यहाँ से बाहर से इसका जो आउटलुक है, ये पूरा यहाँ से इसका ये पार्क बना रखा है, ये इनकी एक शॉवर ऐसा लगा हुआ है बहुत अच्छा, और ये इसका पूरा बाहर से ओरियम ग्रैंड। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से आके हम लोगों ने सिर्फ एक थोड़ी सी जो विजिट थी थोड़ी देर में जो हम लोग आपको दिखा पाया हूँ ओरियम ग्रैंड, वो इतना ही था। अब नेक्स्ट जब ये ओपन हो जाएगा तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ओरियम ग्रैंड, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप ओरियम ग्रैंड से तो हम लोग निकल गए हैं, बट आते ही हम लोग फंस गए हैं जाम में, क्योंकि जहाँ पे जो आश्रम है वहाँ पे आज बहुत से ज़्यादा रश है। आप भी देख ही सकते हैं कितना रश जाम है। ये देखिए लगभग आधा घंटा हो गया हमको जाम में फंसे हुए। अभी हम जाके थोड़ा सब लग रहा है कि हम लोग निकल पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से गाड़ियाँ निकल रही हैं, बाइक वाले बीच में घुसा रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। ये देखो सबको जल्दी लगी है। अरे भाई रुक जा भाई, ये यहाँ से इनकी एंट्रेंस है, यहाँ से निकल रहे हैं लोग, और ये एंट्रेंस है, और अंदर देखिए गाड़ियाँ कितनी जो क्यू में लगी हुई हैं जो बाहर आना चाहती हैं, और ये सब सेवादार सेवा करते हुए। लोगों का रश देखिए, लोग पैदल ही चल चुके हैं यार, लाखों में दुनिया आ रखी है और हजारों में पैदल निकल चुकी है। आधा जाम तो पैदल वालों ने लगा रखा है, बीच सड़क में चल रहे हैं जहाँ जगह सही है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं डोमिनोज, तो हमारा पिज्जा रेडी है, अब हम खाएंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे कहीं पे। तो इसके बाद हम लोग ने मोस्ट प्रोबेबली हमने कहाँ जाना है, हरी निवास जाएंगे, आगे का व्यू हरी निवास का पहुंच के बताएंगे। तब तक मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय। दोस्तों हम लोग डोमिनोज से निकल के अब जा रहे हैं हरी निवास। दोस्तों इस रोड पे जो हमारे अभी जम्मू में जो एक न्यूज बड़ी वायरल चल रही है कि यहाँ पे काफ़ी जो बाइकर्स हैं इस रूट को इस्तेमाल करते हैं, स्टंट करते हैं इस पर, तो काफ़ी उन पर मतलब उनको उस पर पुलिस एक्शन कर रही है, उस यहाँ पे नाका लगाए जा रहे हैं, पुलिस के नाके लगते हैं, तो स्टंट करते हैं मतलब उससे वो प्रॉपर कहते हैं वो प्रॉपर सिक्योरिटी से सेफ्टी से नहीं करते। सेफ्टी पहले होनी चाहिए, स्टंटमैन जो स्टंट करते हैं वो पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन लेके करते हैं। तो ये लाइव रोड जो चलते फिरते रोड है, इसको आप स्टंट एरिया मत बनाइए, मतलब आपने यहाँ पे अगर आपने राइडिंग करनी है तो आप प्यार से करिए, ताकि आप रैश ड्राइविंग करके खुद का और किसी और का नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये रोड के जरिए आप माता वैष्णो देवी के दरबार में भी जा सकते हैं, ये रोड आपको माशा कटरा तक ले जाएगा, आगे से आप माता वैष्णो देवी के दरबार जा सकते हैं। ये रोड ही है जिसको बाइकर्स यूज करते हैं, आप देख लीजिए कितना स्ट्रेट है, और इसमें स्पीड बन जाती है अपने आप ही, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेट वे है। और यही रास्ता आगे जाके आपको श्रीनगर भी ले जाते हैं। ड्राइव केयरफुली टू लिव जॉयफुली, ये जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ से ये बोर्ड लगा गया है। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंचने लगे हैं हरी निवास। ये थोड़ा सा रास्ता इससे पहले आता कि शायद अभी यहाँ से जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ ये रहा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये मांडा जू को रास्ता जाता है, यहाँ एक जू है मांडा जू, और इसके राइट हैंड साइड पे हमारा हरी निवास करके जो है अमर महल, यहाँ से जो इसकी गाड़ी लगी है ये यहाँ की एंट्री है, ये यहाँ से अब पता नहीं आज बंद तो नहीं है। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, पहले
ये यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, बहुत ही अच्छा बनाया है। मैं इसके आर्किटेक्चर को बहुत ही प्यारा बोलता हूँ। और काफ़ी दूर से मतलब हमारे स्कूल्स कॉलेज यहाँ पे पिकनिक पे आते हैं। काफ़ी अच्छी जगह पे हाई अल्टीट्यूड पे बनाया गया ये अमर महल। तो आप रश देख सकते हैं, और ये रहा अमर महल, इसको हरि निवास बोलते हैं। ये इसका डिज़ाइन और आउटलुक देख लीजिए। और काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाओ, ये करो वो करो, सब आते हैं। काफ़ी रश, जितने भी हमारे टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे चक्कर लगा के ज़रूर जाते हैं। हमको जाना है यहाँ पे रेस्टोरेंट में, तो हम लोग जाएंगे आगे। तो ये रहा हमारा अमर महल हरि निवास। इसके इस साइड पे ये इसका रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे ये म्यूज़ियम बनाया गया है अब इसको, तो लोग यहाँ पे म्यूज़ियम में आते हैं देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से। वो रही महाराजा हरि सिंह जी की स्टैचू, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा ये। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो महल की इसकी जो मैं इसको बोलूँ उसका जो नक्शा है, जो उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है। कहा जाता है ये फ़ौरन से हमारे महाराजा हरि सिंह ने जो उन वहाँ से कहीं आर्किटेक्चर वहाँ से लाया था, फिर यहाँ बनाया था। और ये यहाँ का गार्डन मैं अभी आपको व्यू दिखा दूंगा। ये जो तवी बैंक, तवी के किनारे जो महल बनाया गया, ये जो अमर महल बनाया गया है, इसका पूरा नज़ारा। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, इसका एक निलाया, पुराने पुराने महाराजाओं के टाइम की जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो म्यूज़ियम में दिखेंगी आपको। और ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, और ये जहाँ का व्यू मैंने अभी आपको दिखा दूंगा। और ये लोग यहाँ पे ओपन में बैठे हुए हैं, जिसको अंदर बैठना वो निलाया में बैठता है। ये यहाँ पे बार है, पोलो बार, और ये ओपन रेस्टोरेंट है। ये गार्डन भी बहुत अच्छा है, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे शादियाँ भी की कराई जाती हैं, और ये लॉन यूज़ किया जाता है यहाँ पे। ये देख लीजिए बहुत अच्छे फूल लगाए गए हैं यहाँ पे, पूरे गार्डन को सजाया गया है फूलों से, इन फूलों से बहुत अच्छा। और ये देखिए ये जम्मू तवी माता हमारी सूर्यपुत्री यहाँ से बहती हुई, इसके किनारे जो बनाया गया हमारा अमर महल, ये अमर महल तवी के किनारे। और ये म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पे बजता हुआ, लोग जो अपने खाने का आनंद लेते हुए ओपन रेस्टोरेंट में, क्या नज़ारा है। मतलब हमारे राजाओं ने सोच समझ के कितना सोचा होगा कि यहाँ पे हम लोग इस जगह को, खैर पूरी जगह उनकी रियासत उनकी थी, तो फिर भी एक तवी माता का जो जम्मू तवी के किनारे इस जो अमर महल को बनाया, और इसका नक्शा कह लो या इसकी खूबसूरती जो उसकी महल की है, वो अपने आप में देखने में बनती है। फ़ोटो को भी देख के इतनी शांति महसूस होती है। ये देख लीजिए, ये इसकी एक साइड से मैं आपको लुक दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा। और बच्चे लोग यहाँ पे हमारे जम्मू के लोकल काफ़ी इन्जॉय करते हैं यहाँ पे इस ओपन रेस्टोरेंट में। तो दोस्तों तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो लाइव म्यूज़िक जो हमारे सिंगर्स जहाँ पे रखे हुए हैं जो गा रहे हैं, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही लोग सब मज़े कर रहे हैं। मैं और तक्षवी भी यहाँ बैठी हुई है मेरी गोद में, मज़े कर रही है, गाने सुन रही है। काफ़ी वैरायटी के फूल यहाँ पे लगा रखे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ का व्यू, यहाँ पे स्टेज बनाए करती थे पहले, जिनकी शादियाँ वादियाँ होती हैं यहाँ पे स्टेज बनती थी, उसके लिए उन्होंने परमानेंट स्टेज बनाई हुई है। और ये रूम्स हैं यहाँ होटल्स के, महाराजा स्टाइल्स में जो पुराने आर्किटेक्चर में जो राजा महाराजाओं के महल हुआ करते थे उस टाइप के। सुना है, मैं कभी गया नहीं हूँ इस होटल में, जो इस निवास में, तो कहते हैं कि वैसे उस तरह के यहाँ पे रूम्स हैं जो जैसे महाराजाओं के रूम्स हुआ करते थे वैसे बनाए गए हैं। काफ़ी अच्छी जगह है इस जम्मू में हमारे हरि निवास, जिसको अमर महल करके भी जगह को बोला जाता है।
इसकी लोकेशन की वजह से इसकी जो लोकप्रियता बड़ी है, मतलब काफ़ी एक हाई अल्टीट्यूड पे एक पहाड़ पे इस अमर महल को बनाया गया है। साइड पे पूरा आप पूरे शहर जो सिद्धड़ा बजालता करके जो पूरे गांव जो शहर जितने भी हैं वो देखते हैं। यहाँ से सामने से एस्कॉम, मैंने आपको बताया था जो हॉस्पिटल था, ये जो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं ये एस्कॉम की है। तो हाई अल्टीट्यूड पे रहने से ये पूरा शहर यहाँ पे यहाँ से दिख जाता है। के लिए हमने तो गाइस तक्षवी के लिए हमने रिक्वेस्ट करके दूध मंगवाया और हमारा ये ऑर्डर अभी तो हमने सिर्फ वो मंगवाया है हनी चिल्ली पटाटो और तक्षवी पी रही है दूध। जैसे दूध पी लेगी थोड़ा रोना बंद कर देगी, तो हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा दूध पी लेती है। अभी उसको हम दूध पिला रहे हैं, फिलहाल हम लोग स्नैक्स खाएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे लंच करेंगे, देन उसके बाद हम लोग घर को निकलेंगे डिनर करते समय। तो दोस्तों हमारा हो गया लंच, अभी हम लोग थोड़ा यहाँ रेस्ट करेंगे। तक्षवी को हम लोग एक गार्डन में लिटाया है, गार्डन में प्राची वहाँ पे वेट कर रही है, खिला रही है उसको, और अभी हम थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे तक्षवी का यहाँ पे गार्डन में, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जाएंगे घर को, पहले करेंगे डिनर। सो गाइस ऐसा ही प्यार बनाए रखें अपने मेरे इस चैनल को, हम आगे वीडियो और लाते रहेंगे और ब्लॉग्स लाते रहेंगे, फिटनेस ब्लॉग्स, जितने फिटनेस वीडियो होंगे इसी चैनल पे आएंगी। और अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।